आपका स्वागत है, मैं हूं सायमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट जिले के जामकंडोरण में जनसभा को किया संबोधित, कहा कि कृषि उत्पादन में गुजरात तेजी से कर रहा है विकास, राज्य का आत्मविश्वास है चरम पर, गुजरात ने सुशासन पर दिया विशेष ध्यान। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों, दिल्ली और पंजाब सरकार के पर्यावरण मंत्रियों के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की बैठक, फसल अवशेष प्रबंधन और स्वच्छ ईंधन को अपनाने की आवश्यकता पर दिया गया जोर, सभी राज्यों के मंत्रियों ने किया सकारात्मक जन भागीदारी का आह्वान। नई दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत टोयोटा की पहली फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार लॉन्च, एथेनॉल फ्यूल को बढ़ावा देना है कार की लॉन्चिंग का मकसद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल फ्यूल का प्रयोग किसानों की आय बढ़ाने में कारगर होगा साबित। आसमान से बरसी आफत की बारिश, धान की फसल पर कहर बनकर टूटी, बालियों से लदी फसल खेतों में बिछ गई, खेतों में पानी भरने से बाजरे की फसल के सड़ने की संभावना, सब्जियों की फसल भी होगी प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के तीसरे दिन राजकोट जिले के जामकंडोरण में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज गुजरात का आत्मविश्वास चरम पर है। पीएम ने कहा कि गुजरात ने सुशासन पर विशेष ध्यान दिया है, कृषि उत्पादन में गुजरात विकास कर रहा है। आज गुजरात विकास में एक जन आंदोलन बनी गयु। आज कोई पण सेक्टर लो, आंकड़ा थी सिद्ध थी सके कि आपना गुजरात नी विकास नी वात कितनी मजबूत छे, कितनी दीर्घ दृष्टि वाली छे, कितनी सर्वव्यापी छे, कितनी सर्वसमावेशक छे, ये आपने आंकड़ा सिद्ध करी सके। आज आपनु गुजरात, आपड़ा गुजरात में राजकोट में आज शिक्षण नु मोटू हब बनावी देवामां आव्युं छे। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुद्दे के प्रबंध के लिए राज्यों द्वारा की जा रही गतिविधियों और योजनाओं की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और पंजाब के पर्यावरण मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से एक बैठक की। इस मौसम में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी हितधारकों की समन्वित कार्रवाई और सहयोग सुनिश्चित करना इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य था। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री और पर्यावरण विभाग के प्रभारी मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान से हेमा राम चौधरी, दिल्ली से गोपाल रॉय, उत्तर प्रदेश से डॉ अरुण कुमार और पंजाब से गुरमीत सिंह मीत ने भाग लिया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे भी बैठक में शामिल हुए। CAQM ने एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के संबंध में विभिन्न पहलुओं और चुनौतियों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। CAQM ने इस मौसम के दौरान वायु प्रदूषण के प्रबंध के लिए तैयार की गई गतिविधियों के साथ साथ उठाए गए कदमों, निर्देशों और सुझावों के बारे में बताया। बैठक में जिन प्रमुख क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई उनमें कृषि पराली जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, डीजल जनरेटर सेटों से प्रदूषण, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, विद्युत चालित सड़क और खुले क्षेत्रों से धूल के साथ साथ निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों से उत्पन्न धूल शामिल है। CAQM ने यह भी बताया कि वायु प्रदूषण के प्रबंध, ग्रिड रिस्पांस एक्शन प्लान के साथ साथ निगरानी तथा कार्यालय के बारे में जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ कई बैठकें की गई हैं और बैठक में राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए धान के पराली उत्पादन के अनुमानित आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए समस्या की
भयवैता के बारे में भी चर्चा की गई। पराली जलाने का मुद्दा सभी हितधारकों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। बैठक में राज्यों द्वारा धान के अवशेष जलाने की घटनाओं पर की गई कार्रवाई और योजना पर भी प्रकाश डाला गया। राज्य सरकारों द्वारा CRM मशीनरी की उपलब्धता और आवंटन के संबंध में नवीनतम जानकारी दी गई। राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने स्थानीय निकायों की इस काम में शामिल किया है और फसल अवशेष के बेहतर निपटारे के उपायों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नई मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक में पराली के प्रबंध की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में बायो डिकम्पोजर के तहत क्षेत्र के विस्तार पर भी चर्चा की गई। राज्यों ने धान की पराली के वैकल्पिक इस्तेमाल को आर्थिक संसाधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए फसल अवशेष प्रबंध और गतिविधियों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। और आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने नई दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत टोयोटा की पहली फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया। एथेनॉल और इलेक्ट्रिक दोनों ही मोड पर यह कार चलाई जा सकती है। इस कार को लाने का मकसद देश में एथेनॉल फ्यूल को बढ़ावा देना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक MOU के तहत इस कार पर अनुसंधान करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर कहा कि एथेनॉल फ्यूल का प्रयोग निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ाने और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कारगर साबित होगा। इसके साथ ही किसानों की आय को भी बढ़ाएगा। For Atmanirbhar Bharat, we need to increase the growth rate in agriculture in rural India. We have 124 aspirant districts which are socially, economically, educationally backward, and their contribution in our growth is very negligible. And this is also one of the reasons by making these biofuels and alternative fuel technology 100% we are going to increase the growth rate in agriculture sector. That is one of the important things which is related with the biofuels. केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि भारत सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के विकास के लिए लगातार अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। एथेनॉल का प्रयोग इस दिशा में कारगर साबित हो सकता है। आज हम आयात पर निर्भर हैं, लेकिन हमने माननीय मोदी जी की अगुवाई में जो हमारे मंत्रालय ने पहल की और 18,100 करोड़ की PLI को जो लॉन्च किया, मैं इस मौके का सदुपयोग ये बताने के लिए करना चाहूँगा कि 50 गीगावाट के इस जो इस ग्रीन एनर्जी के फील्ड का एक महत्वपूर्ण कारक है और 2 साल में इसको हम सीधे प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं पब्लिक डोमेन पर, उस दिन हिंदुस्तान इस लिथियम बैटरी में आज आयात की कठिनाइयों से मुक्त होगा और एक्सपोर्टर भी बनेगा। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज हम इस मुकाम पर आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत सरकार ने नई बायोफ्यूल नीति का निर्माण किया है। एथेनॉल ईंधन को बढ़ावा देना इस दिशा में एक बड़ा प्रयास है। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से निजात के लिए भारत सरकार वेस्ट टू वेल्थ पर अधिक ध्यान दे रही है और इसके लिए कई संयंत्रों का निर्माण भी किया जा रहा है। पानीपत का जो हमारा प्लांट लगा है उसकी क्षमता 2 लाख टन की है। अगले वर्ष तक हम एक रोपड़ का प्लांट और तैयार होने वाला है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसमें हमने जिसको मस्ट रन स्टेटस दिया है वो इसी बात पे दिया है कि वो बायोफ्यूल का इस्तेमाल करें। और भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नई जो बायोफ्यूल पॉलिसी हम लोग लेकर के आए हैं ये उसी दिशा की ओर है। आसमान से बरसी आफत ने धान की फसल के सामने संकट पैदा कर दिया है। बयार और वर्षा से तैयार धान की फसल खेतों में बिछ गई है। अगेती धान फसल पर मौसम का सबसे ज्यादा कहर टूटा है। बलियों से लदी फसल खेतों में गिर गई है। खेतों में पानी भरने से बाजरा की फसल सड़ सकती है जिससे चारा तैयार नहीं हो सकेगा। वहीं सब्जियों की फसल भी प्रभावित होगी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में कई किस्म के धान की अगेती फसल रोपी जाती है। 5 दिन लगातार वर्षा से धान मड़ाई का काम प्रभावित हुआ।
वर्षा और बयार की वजह से पिछेती धान की फसल कई गांवों में खेतों में गिर गई है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। मारहरा क्षेत्र में कुछ गांवों में धान की तैयार फसल खेतों में पानी भरने से जमीन पर भीग गई। किसानों द्वारा काटी गई धान की फसल के बंडल पानी भरने से भीग गए हैं। कुछ स्थानों पर धान के ये बंडल पानी में नजर आ रहे हैं। किसानों की कटी पड़ी फसल पानी भर जाने से बर्बाद हो गई है। किसानों ने शासन से मांग की है कि किसानों की को नुकसान का मुआवजा दिलवाया जाए। दो दिन से हो रही वर्षा से आलू की अगेती फसल जल भराव से बर्बाद हो गई है। कूड़ी के अंदर पानी भरने से आलू का बीज सड़ गया है। सरसों को भी हानि हुई है। इस नुकसान को देखकर किसानों के चेहरे मायूस हो गए हैं। वर्षा से धान बाजरा के साथ साथ सब्जियों को भी नुकसान हुआ है। पानी भरने से गोभी पालक आदि सब्जियां प्रभावित हुई हैं। आवक कम होने से इनके भाव बढ़ सकते हैं और धान की फसल को वर्षा और बयाड़ से काफी नुकसान हुआ है। कई प्रकार के किस्म के धान फसल मौसम की मार से खेतों में बिछ गई है और इस पर बाली भी नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं, जहां असम में धेमाजी में लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है। भारी वर्षा के कारण कई इलाकों में जलभराव के हालात हैं। बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है और लगभग 200 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। नई दिल्ली एनसीआर में कई दिनों तक चला बारिश का दौर अब थम चुका है। चार दिनों तक लगातार हुई बारिश के बाद बुधवार को दिल्ली एनसीआर में दिन की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के कई इलाकों में सुबह कोहरा छाया रहा। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और गुरुग्राम के कई इलाकों में कोहरे की चादर छा गई। हालांकि दिन बढ़ने के साथ ही कई इलाकों में कोहरा कम होता दिखाई दिया। आसमान में छाई धुंध की वजह से दिल्ली के साथ साथ एनसीआर के ज्यादातर शहरों में लोगों को, खासतौर से वाहन चालकों को, कम विजिबिलिटी के चलते दिक्कत हुई। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अनुमान में राजधानी दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की आशंका जाहिर की गई है। वहीं कश्मीर घाटी में श्रीनगर लेह राजमार्ग में जोजीला पर्वत सहित ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात हुआ, जबकि मैदानी इलाकों में वर्षा हुई, जिससे समूची कश्मीर घाटी में तापमान में गिरावट आई है। कश्मीर घाटी में ऊंचाई पर स्थित चोटियों सहित उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमर्ग पर्यटन केंद्र में हल्का हिमपात हुआ, जबकि पहलगाम, काजीगुंड, बनिहाल, गुलमर्ग और अन्य भागों में वर्षा हुई है, जिससे कश्मीर घाटी में तापमान में गिरावट आई है। दक्षिण कश्मीर में शोपियां जिले में जम्मू के पुंछ जिले से जोड़ने वाले मुगल रोड पर इस मौसम का पहला हिमपात हुआ। इस बीच केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सर्दियों के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों की कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। हिमाचल प्रदेश में चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले में भी बारिश का दौर जारी है, जबकि रोहतांग दर्रा, बारालाचा, घेपन पीक, नीलकंठ, कुकती जोत, लेडी ऑफ केलांग की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। सभी चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। वहीं लाहौल स्पीति के चीचिम गांव में भी हिमपात हुआ है। हिमपात की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई है। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश और बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं शहरों में जलभराव जैसे हालात आ गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी भारी बारिश की वजह से कई नदियों में उफान है। भारी बारिश के कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं जिलाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को जनपद के बोर्ड एवं परिषद के नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहे। अखिल भारतीय शुष्क क्षेत्रफल समन्वित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत मंगलवार को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय स्थित खजूर अनुसंधान केंद्र पर अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए खजूर उत्पादन की तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण उपरांत उन्हें निशुल्क खजूर के पौधे वितरित किए गए। प्रशिक्षण प्रभारी व सह आचार्य डॉ. राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि प्रशिक्षण में जिले के भैरू खीरा गांव के अनुसूचित जाति के कृषकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. प्रकाश सिंह शेखावत, अनुसंधान निदेशक, ने कहा कि खजूर की खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ा है। वह इस क्षेत्र में खजूर से किसान
भाई अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कृषकों से आह्वान किया है कि खजूर के पौधे लगाने के पश्चात इनकी उचित देखभाल करें। डॉक्टर एस आर यादव, क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक ने खजूर के पौधों की देखभाल व इसमें खाद उर्वरकों के प्रबंध के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि शुष्क क्षेत्र में आजीविका का एक अच्छा साधन है एवं इसके मूल्य संवर्धन में भी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि प्रदेश में लगभग 1200 हेक्टेयर में खजूर की खेती की जा रही है। इस क्षेत्र के लिए हलावी, बरही, खुनीजी, जाहिदी, मेडजुल्क आदि किस्में उत्तम गुणवत्ता के फल प्रदान करती हैं। इसकी खेती रेतीली मिट्टी और क्षारीय पानी में भी कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजधानी नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए उनकी कौशल दक्षता पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटियां बने कुशल, इस थीम को लेकर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान लड़कियों के लिए आजीविका के आधुनिक कौशल विषय पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की 2015 में शुरुआत की, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि बेटी का बचना, बेटी का पढ़ना और आगे बढ़ना ये मात्र एक परिवार का विषय नहीं है, मात्र ये महिला का विषय नहीं है, पूरे समाज का और राष्ट्र का विषय है। सम्मेलन के दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों पर सरकार व संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है विजयनगरम, उन्होंने सखी करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो लड़कियां होती है, जो 9 से 21 एज ग्रुप में जो लड़कियां होती है, वो बहुत बार उनको गाइडेंस ठीक से नहीं मिलता, उनकी जो डेवलपमेंट है ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं होती, या फिर उनको जो लाइवलीहुड के लिए ऑप्शंस होते हैं या स्किल होता है वो उनको ठीक से नहीं मिलता। तो इसीलिए हमने हर एक आंगनवाड़ी सेंटर, हर एक विलेज में सखी ग्रुप फॉर्म किए, जो 9 to 21 ईयर ओल्ड गर्ल्स है उनको एक एक मेंटर दिया गया इस ग्रुप में। वो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी दे कि जो भी उनके गोल्स हैं, एजुकेशन हो या घर खरीदना हो या कोई नेगेटिव सिचुएशंस निकलना हो, उसका उनको अपॉर्चुनिटी दे। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो फाइनेंशियल वेलबींग में हेल्प करें। एंड हम लोग ओवर 1 लाख लेडीज़ के साथ ये कोर्सेज किए हैं और हजारों विमेन हम लोग को बोले हैं कि ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में भाग लेने आई लड़कियों ने गैर परंपरागत आजीविका क्षेत्रों में कौशल दक्षता के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। नॉन स्किलिंग में काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम जूट प्रोडक्ट्स का उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना सिखाते हैं, लाइक पेपर कवर्स हो गए, या फिर पेंसिल वगैरह के जो बनाना होता है जिसमें हम रखते हैं कार्डबोर्ड्स वगैरह, वो सब कुछ सिखाते हैं, अचार वगैरह बनाना सिखाते हैं, छोटे छोटे टॉयज होते हैं वुडन के वो बनाना सिखाते हैं, पापड़, पिकल, ऐसा सब कुछ। मशरूम कल्टिवेशन में भी हम उनको देते हैं, कैंडल मेकिंग में भी, सोप मेकिंग में भी, इवन डिटर्जेंट मेकिंग में भी वो काम करते हैं। कौशल दक्षता के लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग फैशन डिज़ाइनिंग में होती है, बुटीक्स में होती है, जिसमें लड़कियाँ अपनी स्टिचिंग कर सकती हैं, घर बैठे काम कर सकती हैं, और ना ही सिर्फ काम, वो आगे जाके इसको मार्केट भी करती हैं, बेचती भी हैं अपने प्रोडक्ट्स। इसमें जैसे बुटीक्स हो गए, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, ब्यूटी पार्लर्स में लड़कियों का बड़ा कोर्स रहता है, और उसके अलावा और भी चीज़ें होंगी, जैसे पापड़ बना लेती हैं लड़कियाँ घर पे। आधी आबादी की प्रतीक नारी शक्ति को कौशल से हुनरमंद बनाने के लिए सम्मेलन के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजधानी नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा लड़कियां बने कुशल, इसी थीम को लेकर लड़कियों के लिए आजीविका के नए कौशल आधारित राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में एक ओर जहां लड़कियों के लिए आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा के साथ शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, वहीं लड़कियों को हुनरमंद बनाने के लिए और कौशल दक्षता बढ़ाने के लिए उन्हें कौशलयुक्त प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहित जोशी के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज दिल्ली। और अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जम्बूसर मंडी में 10 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 2600 रुपए, 11 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 2800 रुपए पर। इसी तरह राजकोट मंडी में ज्वार के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 10 अक्टूबर को यहां सफेद ज्वार का भाव था 3150 रुपए, 11 अक्टूबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 3250 रुपए पर हुए। वहीं बात पीली ज्वार की करें तो राजकोट मंडी में बीते दो दिनों के दौरान पीली ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 अक्टूबर को पीली ज्वार 2250 रुपए पर बिकी। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 10 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 2200 रुपए, 11 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2200 रुपए पर बरकरार रहा। खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले पिछली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ ज्वार की बुआई 14,23,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 14,67,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 में खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले 44,000 हेक्टेयर पिछड़ी है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करे तो कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में 10 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 5,000 रुपए, 11 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बीते दो दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 10 और 11 अक्टूबर को लहसुन 3,000 रुपए पर बिका। राजस्थान के जोधपुर मंडी में 10 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 1,500 रुपए, 11 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1,500 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 10 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 3,350 रुपए, 11 अक्टूबर को इसके सौदे 30 रुपए मजबूत होकर 3,380 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में लहसुन के भाव की बात करें तो इटावा मंडी में मंगलवार को लहसुन का भाव रहा 1,895 रुपए, गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,650 रुपए, गोंडा मंडी में लहसुन 2,300 रुपए पर बिकी, जबकि दादरी मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे 3,500 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। और खेती किसानी के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खास खबरों पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 29वें स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। 12 अक्टूबर 1993 को एनएचआरसी की एक स्वायत्त संस्था के तौर पर स्थापना की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मेहसाणा में गौरव यात्रा की शुरुआत की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को भव्य करने वाली यात्रा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन मामले में छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी के दौरान मिले करीब 4 करोड़ की नकदी, मौके से करोड़ों रुपए की ज्वेलरी भी जब्त की गई है। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली सरकार आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में पूरी तरह से विफल रही है।
हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सोनीपत फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो तीन दवाइयां WHO द्वारा बताई गई हैं, उनके सैंपल सेंट्रल ड्रग लैब में भेज दिए गए हैं और उनकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रेलवे ने अपने यात्री खंड की राजस्व आय में 92% की वृद्धि दर्ज की है। इस वर्ष 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर के दौरान भारतीय रेलवे की अनुमानित आय 33,476 करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,139 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,208 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 219 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 4,93,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।